हेलो फ्रेंड्स, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। आज मेरे साथ यहाँ पे मेरे जो लाइक स्टूडेंट है मिस्टर अनन्य अग्निहोत्री यहाँ पे मेरे साथ है और वो एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है। तो आज हम उससे बात करने वाले हैं उसकी सक्सेस जर्नी का, उसकी एक्सपोर्ट जर्नी के बारे में हम बात करने वाले। बहुत सारे लोग मेरे YouTube पे कमेंट करते हैं कि सर आप कोई स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरी बनाओ। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो तो एक्सपोर्ट करने ही वाले, मैं तो सिर्फ उसको क्या करता हूँ, सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ, एक्सपोर्ट करने वाले लोग एक्सपोर्ट करते ही है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते, बट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस क्या थोड़ा सीक्रेट बिजनेस है, तो लोग खुल के बताना नहीं चाहते। सर वो रहने दो, आप वीडियो पे मुझे मत लाओ, आपको जो भी पूछना है आप मुझे सकते हैं, बट वीडियो सर वो क्या मेरा सीक्रेट बिजनेस है, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो मेरे कंप्यूटर को भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल है, बट वो क्या है, सुपर उत्तम है, तो बाहर नहीं आते, इतना खुल के बोलते नहीं है। तो आज मेरे साथ हमारे स्टूडेंट है मिस्टर अनन्य। मैंने उसको बोला कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो। बोला सर व्हाई नॉट, मैं जरूर से शेयर करूंगा। हाय अनन्य, तो आप अपने बारे में यहाँ पे लोगों को बताइए आपके बारे में। नमस्कार, मैं अनन्य अग्निहोत्री, पद्मिनी फैब एंटरप्रेन्योर्स में बिजनेस डेवलपमेंट देखता हूँ और ये मेरा फर्म है और इसको बेसिकली मेरी वाइफ रन करती है। पहले हम लोग ऑनलाइन सेल्स में थे और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ किया करते थे और अभी फिर धीरे धीरे एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट आया और फिर परेश सर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली और उनके थ्रू हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जबकि कोविड में सारी चीजें बंद है और एक्सपोर्ट अभी भी स्टार्ट है और वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और आपने बताया आप ई कॉमर्स में बात कर रहे थे, तो अभी आपको बता दूं हमारी जो गवर्नमेंट है नई ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पॉलिसी लाने वाली है, तो कम बजट में भी ये एक्सपोर्ट पॉसिबल है। तो अनन्य जी, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि आपको एक्सपोर्ट का आइडिया कैसे आया? एक्सपोर्ट का आइडिया, एक तो 2017 में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी एक्सपोर्ट को लेके, लोगों को प्रोत्साहन दे रही थी, उनको एनकरेज कर रही थी सारे जो स्मॉल लेवल एंटरप्रेन्योर्स से, तो उसमें कुछ सोशल मीडिया पे DGFT के कुछ वीडियोस वगैरह देखे, उसके बाद फिर इंटरेस्ट आया कि मैं भी कर सकता हूँ ये काम। और 2017 के बाद फिर मैंने कुछ आपके वीडियोस देखे थे, 2018 तक मैं देखता रहा कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फिर उसके बाद लगा कि नहीं मैं ये चीज कर सकता हूँ और उतना चैलेंजिंग नहीं है जितना ये बाहर से दिखता है, बिकॉज लोग बहुत डरे हुए रहते हैं एक्सपोर्ट को लेके कि पैसा फंस जाएगा या ये हो जाएगा, पर मैंने कहा नहीं, इसको चैलेंज लेना चाहिए और ये काम करना चाहिए एक बार। उस चैलेंज को लेने के बाद फिर 2018 सितंबर में मैं आपसे मिला और तब तक मैं लगभग जीरो था एक्सपोर्ट के बारे में, और जीरो तो क्या नेगेटिव बोलना चाहिए, क्योंकि लोग इतना डरा देते कि अरे तुम्हारा पैसा फंस जाएगा, तुम्हारा माल जाएगा, वहां से पैसा नहीं आएगा, बल्कि डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा, जो आपसे मिलने के बाद मुझे चीज समझ में आई कि डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा सेफ एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट है, और जितनी अपॉर्चुनिटी और जितना गवर्नमेंट अभी आपको सपोर्ट कर रही है उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक्सपोर्ट के बारे में कोई भी बंदा सोचता है तो उसके मन में यही क्वेरी आता है कि मैं प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करूंगा, तो आपने एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया? सर जो चीज बनती है वो चीज बिकती है, ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस में, लेकिन इसके अपार्ट अच्छी चीज आप सिर्फ एक बार बेचने की जरूरत है फिर वो अपने आप बिकने लगती है। तो जिन प्रोडक्ट्स में मैं डील करता हूँ वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और मैं देख रहा था कि जो सिनेरियो है या जो पूरा वर्ल्ड है या पूरा ग्लोब है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है, जैसे हमारा स्लोगन है गो ग्लोबल, अब गो नेचर की तरफ लोग मूव हो रहे हैं, जो कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं, जो सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो अब लोगों को दिखने लगे ओवर द टाइम पीरियड, तो मुझे लगा कि लोगों को नेचुरल जो ऑर्गेनिक हैं या जो इसेंशियल ऑयल्स हैं, जो प्योर क्वालिटी के इसेंशियल ऑयल्स हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए, और मुझे देख के हैरानी हुई कि फॉरेन में इनका बहुत अच्छा मार्केट है।
ओके ग्रेट ग्रेट। फॉरेन में देखो नेचुरल चीजें, ऑर्गेनिक चीजें और इको सस्टेनेबल प्रोडक्ट का हमेशा जो है डिमांड बढ़ने वाला है। अभी के फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, और हेल्थ कॉन्शियस जो भी प्रोडक्ट है उसका भी डिमांड बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर पेमेंट टर्म क्या, मैं नया नया एक्सपोर्टर हूँ तो मुझे पेमेंट एडवांस में मिलेगा? तो आपको एडवांस पेमेंट मिला है या पेमेंट टर्म के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहोगे एक्सपोर्ट में? सर पेमेंट टर्म, आप नए एक्सपोर्टर हैं लेकिन अगर आप सारी चीजें सीख के जाते हैं, इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आपसे मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, आप सामने हैं, लेकिन अगर आप चीजें सीख के जाते हैं तो आप एक ड्राइवर, स्किल्ड ड्राइवर होते हैं, तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे आपने हम लोगों को बताया कि किन पेमेंट टर्म्स में करना है, अगर आपको अपनी चीज भेजनी है तो इंश्योर्ड करके भेजनी है, उनसे क्या क्या बात करनी है, और जो जर्गल्स होते हैं इसमें कि आप CIF है या FOB है, ये सारी चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड करते तो आप उनसे बेटर कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अगर आप उनसे बेटर कम्युनिकेशन करेंगे तो दे विल नेवर फाइंड आउट कि आप नए हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको टर्मिनोलॉजी पता हो, आप उस चीज के बारे में पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने उसकी ट्रेनिंग ली हो। तो उसका मेरे को बेनिफिट मिला, बिल्कुल बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि सारी चीजें सिक्वेंस में मुझे बताई गई थी और वही सिक्वेंस पूरा एक्सपोर्ट में फॉलो होता है। तो पेमेंट फंसने का चांसेस तो आप ये मान के चलिए बिल्कुल भी नहीं है। और दो ही चीजों में हमें, अच्छा एक जो मेन चीज है सर, पेशेंस। कि ऐसा नहीं है कि हमने आज चीज सीखी और हम कल से अपना या परसों से अपना या एक महीने बाद से अपना एक्सपोर्ट का चालू हो जाएगा। आपको कंटिन्यूसली फॉलोअप लेना पड़ेगा, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। और फोन पे सर बहुत ज्यादा बात करते नहीं है, यूरोप में मैंने ये ट्रेंड देखा है, मोस्टली वो मेल कम्युनिकेशन पे डिपेंड रहते हैं। तो ये चीजें जो मुझे फाइंड आउट में मिली है, और अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है और उनकी नीड है तो वो बिल्कुल आपको एडवांस पेमेंट ही करेंगे, और एडवांस नहीं करेंगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए एक्सपोर्ट में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरा काम है आपको जेन्युइन चीजें बताना, क्योंकि किसी को पसंद है तो आप उधारी में बिजनेस कर सकते हो। दुबई का मार्केट है, DA पेमेंट टर्म चलता है और उधारी में जाता है, ओपन मार्केट जाता है। तो बोलेगा आप यहाँ पे क्या होता है, लोगों को इतना आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैं खुद एडवांस में भी काम करता हूँ, मैं यूरोप में, दुबई में काम उधारी में करता हूँ, दुबई का काम ही उधारी का, मैं खुद दुबई में उधारी में काम करता हूँ, मैं खुद यूरोप अमेरिका UK के अंदर एडवांस में काम करता हूँ, 30% एडवांस, 70% बिफोर डिलीवरी या 70% कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, आप समझोगे ना तभी आपको सब चीजें समझ में आएगी, ये प्रैक्टिकल चीज है। अनन्या जी ने यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल बताया है कि अगर आप एक स्किल ड्राइवर हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप पहले सीखो, आप देखो रोड पे रोज एक्सीडेंट होते ही है, बट अगर आप स्किल ड्राइवर हो तो यहाँ पे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो एक अच्छी बात है। सीट बेल्ट वगैरह पहना है तो आप सेफ रहोगे। मतलब पेमेंट टर्म का तो सर कोई भी इशू नहीं है, उनको पैसा देने में किसी को कोई इशू नहीं है, अगर वो माल खरीद रहा है, बस उसका ये रहता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और उसको पसंद आना चाहिए। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे पेमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर बायर कैसे फाइंड करना है, तो आप कैसे कैसे बायर फाइंड करते हैं और कैसे कैसे बायर फाइंड करने चाहिए, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे? सर ऐसा कोई वे नहीं है जो आपने बताया और ट्राई ना किया हो, और चीजें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन निकल के आती है। कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे जिनको हमने एक साल पहले रीच किया था उनके ऑर्डर आ जा रहे हैं, कि उनका रिक्वायरमेंट आ जा रहा है मेरे पास, लेकिन आता है सर, मतलब एक बार हम उसको नॉक करते हैं तो कुछ ना कुछ वहां से निकल कर आता है। और बायर फाइंड करने का सोशल मीडिया बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि नए एक्सपोर्टर रहते हैं सर वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नए एक्सपोर्टर रहते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट उनके नहीं होते हैं, बस उन्हें चांस चाहिए। तो एक सोशल मीडिया है, प्लस जो आपने मुझे B2B साइट्स बताई थी वहां से भी बिजनेस निकल के आता है सर। ओके, आपने अभी पेड में कोई साइट पर रजिस्ट्रेशन करवाया है? मैंने इंडिया मार्ट पे कराया था और वहां से मुझे निकल के आया है, मतलब ओवरऑल बिजनेस निकल के आया। ग्रेट। और बाकी सारी जितनी आपने 10-11 साइट्स बताई थी सब पे मेरा रजिस्ट्रेशन है, और सबसे फ्री में भी ऐसा नहीं है कि क्वेरीज नहीं आती है, क्वेरीज आती हैं, एटलीस्ट इंटरेक्शन होता है, हम अपने प्रोडक्ट को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कोरिया में हुआ था सर, उनको मेरा प्रोडक्ट बहुत पसंद आया था पर उनका कुछ रिस्ट्रिक्शंस था,
कि आयुर्वेदिक मेडिसिंस को लेके ये प्रोडक्ट नहीं ले सकते, अदरवाइज वो डील हो जाती है। तो अभी आप जो है कौन सी कंट्री को लाइक एक्सपोर्ट में आप टारगेट कर रहे हो? सर अभी मेरा जो है नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत अच्छा मार्केट है, रीयूनियन एक कंट्री है वो भी बहुत, ये सर अनटच कंट्रीज है। यहाँ पे क्या है एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट, इम्पोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, प्लस ये इंडियन भी है वहाँ पे तो वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं उन सारी चीजों को। उसके बाद मालदीव में भी कुछ माल गया है, श्रीलंका भी गया है कुछ मटेरियल, तो ऐसे ऐसे करके सर धीरे धीरे कंट्रीज जो है वो ग्राप्स हो रही है। ओके, एक्सप्लोर हो रही है कि जहां जहां पे भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सर कि अगर आप प्रोफेशनली नहीं अपने आप को दिखाएंगे या प्रोफेशनली उनसे डील नहीं करेंगे तो ऑर्डर मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है इसमें। ओके ग्रेट। क्योंकि सर जैसे आपकी वेबसाइट है जो आपने बताया तो वो सारी चीजें हम लोगों ने की, वेबसाइट बनाई उस पर डेली अपडेट्स करे, इंस्टा अकाउंट बनाए उस पर अपडेट्स करे, फेसबुक अकाउंट बनाए उस पर अपडेट करे, तो धीरे 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 लोगों को उस चीज का बल हो गया कि हाँ ये चीज जेन्युइन है। ट्रस्ट, यस, ये ट्रस्ट की बात आती है ना कि सर हम नए लोग ट्रस्ट कैसे बढ़ाएंगे। सर दो चीजें चाहिए, एक तो स्पीड और दूसरा ट्रस्ट, ये दोनों चीजें उनको चाहिए। तो ट्रस्ट का तो वो इशू है बहुत इशू, क्योंकि हमें भी सर जेन्युइन बायर चाहिए और उनको भी जेन्युइन सेलर चाहिए। और इसमें जो है वेबसाइट है जो जो आपने बताया था वो सारी चीजों ने मेरा बहुत हेल्प किया। 100% एडवांस मिलना किसी भी बिजनेस में बहुत बड़ी चीज होती है इवन एक्सपोर्ट में। लेकिन जो एक आपने बताया था कि हमारी वेबसाइट होनी चाहिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेगुलर अपडेट्स होने चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे चीज़ों प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह होना चाहिए, इमेजिंग अच्छी होनी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि हाँ आप प्रोफेशनल हैं तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर मिलेगा। यस बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ और यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं उससे बता दूँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोफेशनल दिखना और प्रोफेशनल होना, दिखने से भी काम नहीं चलेगा। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ तो मेरे पास दिन की 10 इंक्वायरी आती है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के कोटेशन मांगते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट 10 प्रोडक्ट में डील करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक दो प्रोडक्ट पे फोकस करके काम करेंगे तभी डील डन होती है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है यहाँ पे। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे एरोमा थेरेपी है, तो एरोमा थेरेपी जो है जिसे हम हिंदुस्तान में सुगंध चिकित्सा बोलते हैं वो बेसिकली हिंदुस्तान की थेरेपी है, इंडिया की थेरेपी, एंशियंट थेरेपी, लेकिन उसका हाईली यूज जो हो रहा है वो फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है। तो उनको जैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो है वो मुंबई आयुर्वेदा के नाम से 210 टाइप के एसेंशियल ऑयल, वो रोज से लेके थाइम जितने भी एसेंशियल ऑयल्स हैं वो सारे, करियर ऑयल भी आते हैं सारे, तो उनको 210 में से आप ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में ना पता हो, वो हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है और वो परचेस कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट का नॉलेज भी आपको होना पड़ेगा क्योंकि बायर को प्रोडक्ट का नॉलेज है, उसको यूज करना है, उसको यूज करना है। यस अनन्या जी, आप ये बताइए कि आपको एक्सपोर्ट करने में नए नए एज एक्सपोर्टर आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, उसके बारे में आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हो, ये प्रॉब्लम आपको आएगी तो आपको इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। बिल्कुल सर, एक डायरी बना रखी थी मैंने, उसमें जो जो आप बताते थे तो मैंने सारी स्टेप वाइज सारी चीजें लिख ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो अदर कंट्रीज थे वो बोलते हैं कि हमारा ये रिक्वायरमेंट है। सबसे मेन जो टास्क होता है सर बायर फाइंडिंग का होता है, बाकी चीजें तो वो ऑटोमेटिकली जो भी आप बताते हैं उन सब चीजों से सब कुछ निकल के आके हो जाता है। और मुझे जहां जहां डिफिकल्टी आई वो डॉक्यूमेंटेशन में डिफिकल्टी आई, तो उसमें एग्जिम के सारे स्टाफ ने सर, मतलब इंक्लूड आपने तो किया ही किया, एग्जिम के सारे स्टाफ ने मेरी हैंड होल्डिंग करी उसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा पार्ट है सर जो पहली बार में कोई सीख ही नहीं सकता। आगे भी जो मैंने तो एक दो बार किया उसमें भी मैंने हेल्प ली, तो डॉक्यूमेंटेशन में बायर भी आपका अल्टीमेटली फाइंड हो ही जाएगा, बायर फाइंड हो जाएगा फिर डॉक्यूमेंटेशन आता है। और डॉक्यूमेंटेशन में एक बार जैसे मेरा, मैंने कंसाइनमेंट भेजा यहाँ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से वो जाना था अदर कंट्रीज में, तो अहमदाबाद से वो कंसाइनमेंट वापस आ गया, तो मुझे यहाँ से जाने का भी पैसा लगा और आने का भी पैसा लगा, तो वो मेरे को लॉस हुआ। उसके बाद फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बुलवाया, सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, उनको चेक कराया, सीएचए को चेक कराया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स रवाना किया। अनन्या जी, तो आप नए जो एक्सपोर्टर है उससे आप क्या एडवाइस देना चाहोगे फील्ड में?
सर नए एक्सपोर्टर को यही एडवाइस है मेरा, बेसिकली दो या तीन एडवाइस हैं जो उनके काम आएगी, क्योंकि उनमें मैंने बहुत ज्यादा फेस की है चीजें। एक तो जो हम सोचते हैं कि इंग्लिश कोई बैरियर है हमारे उसका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज हैं, आप सारी लैंग्वेजेस नहीं सीख सकते। और अब तो टेक्नोलॉजी का समय है, तो इतने सारे ऐप आ गए हैं जिसको आप, वो आपको कुछ लिख के व्हाट्सएप पे भेजेगा या आपको मेल करेंगे, आप उसको कॉपी करें, अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करें, हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी जो भी आप लैंग्वेज में चाहते हैं उसमें आप उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इंग्लिश कोई भी बैरियर नहीं है, जो हिंदुस्तानी लोगों की आम सोच होती है कि इंग्लिश कोई बैरियर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड थिंग कि आपको कंटिन्यूअसली चेज करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है कि हमने 6 महीने ट्राई किया था कि एक्सपोर्ट हो जाए और नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने जो आपने ट्राई किया वो वेस्ट नहीं गया आपका, वो आपको हो सकता है अगले 1 साल में 1.5 साल में आपको वो लौट के आए, उनका रिक्वायरमेंट आए, वो आपको चेज करें। तो ये है। और थर्ड थिंग के अगर आप कोई चीज सीख के जाते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस लेवल है, आप, मैं ये नहीं बोला कि सीखना ही जरूरी है, लेकिन अगर आप सीख के जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन का जो वे रहेगा उससे वो ये समझेगा कि हाँ ठीक है, इनको एटलीस्ट आइडिया है एक्सपोर्ट का और ये कर लेंगे, मेरा पैसा नहीं फंसेगा, तो उसे कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं सीख के आया था तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली करता, जैसे पैकिंग लिस्ट कैसे बनानी है, उसका डायमेंशन कैसे लेना है, उसको फ्यूमिकेशन कैसे होगा, पैकेजिंग कैसे होगी उसकी, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सीख लें तो ज्यादा ठीक है, बाकी सीख वो के तो भी जाते प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी मैं बता दूं, सबको बता दूं, सीखना मैंने सिखा दिया, एग्जैक्टली। आपने बना भी दिया, उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, क्योंकि मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ, एक पैकिंग लिस्ट बनाने में जो है बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सब मेजरमेंट वगैरह लेना है, ग्रॉस वेट लेना है, नेट वेट लेना है, बहुत सारी चीजें डिटेल में होती है। करना सिंपल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैसे बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। ये समझो बॉटल है, उसको पैक करना है और उसको फिर भेजना है लोग, या कंट्री लाइक ऐसी एक बोतल है तो उसको कुरियर से भी भेजना है, बाय एयर भेजना है, बाकी बाय सी भेजना है, तो लाइक 1,000 2,000 5,000 बोतल से उसका कंट्री भर के एक्सपोर्ट करना है, तो वेरी एक्सपोर्ट करना सिंपल है। या तो ये अच्छा रहा सर, मतलब एक्सपीरियंस जो था, इवन मैं ये बोलना बड़ी बात नहीं है कि डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा इजी इंटरनेशनल मार्केट है, बस एक बायर फाइंड आउट करना है आपको, उसके बाद आपको रिकरिंग ऑर्डर आते रहेंगे। अब रिकरिंग ऑर्डर के बारे में थोड़ा बताइए, लोगों को आइडिया है। मैं आपको बताऊं मुझे क्यों एक्सपोर्ट अच्छा लगता है, क्योंकि ये रिकरिंग बिजनेस है। आप थोड़ा बताइए रिकरिंग बिजनेस के बारे में। सर डोमेस्टिक मार्केट में जाके मैं 10 लोगों को पकड़ूंगा, 10 लोगों से मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर आएंगे भी तो फिर नए प्रोडक्ट आ जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर मैंने 10 को पकड़ा तो इतना तय है कि 8 लोग आपको रिकरिंग बिजनेस देते रहेंगे। और एक चीज और मतलब मेरे साथ हुई कि जैसे जिन्होंने मेरे को स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर का ऑर्डर दिया था, तो मतलब बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं मुंबई आयुर्वेदा के, और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। जब वो उस कंट्री में गए तो उनकी शॉप की जो है लगभग 30% सेल बढ़ गई उन प्रोडक्ट्स के कारण। उसके बाद जेन्युइनिटी हमने उनको प्रूफ कर दी थी, तो फिर उनके बाद उन्होंने मेरे को कुछ गारमेंट्स का ऑर्डर दिया कि मेरे ये भी रिक्वायरमेंट, आप इसे भी फुलफिल कर दोगे क्या? तो हमने कहा क्यों नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो ऐसा है सर, मतलब ये जो मुंबई आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हैं, अपने आप में जो स्किन केयर में आप कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सेम और उससे भी अच्छा परमानेंट रिजल्ट आपको हर्बल प्रोडक्ट से मिल सकता है। इस इन प्रोडक्ट से प्रूफ किया है अपने आप को। एरोमाथेरेपी को लेके क्लासेस भी चलती हैं, तो कई वहां पे फॉरेन में है जो लोग इच्छुक है कि हम इंडिया आके आपकी क्लासेस करना चाहते हैं, तो उनको जूम के थ्रू भी हम प्रोवाइड कराएंगे एरोमाथेरेपी को लेके। एग्जैक्टली ग्रेट, मतलब एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं अपने, सर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ पे काम शुरू होना चाहिए, इसके बाद आगे बढ़ता ही रहेगा, तो एक अच्छी बात है। यस, एक अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अनन्या जी जो है वो कौन सी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आपने देखा कि अन्य जी कौन सी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। तो आप विदेश में हो और इसका प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप जो है उसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उससे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अनन्या जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो यहाँ पे आए और अपना जो है एक्सपीरियंस उसने शेयर किया कि जो नए लोग है उसे इंस्पिरेशन भी मिलेगी और जेन्युइन नॉलेज भी मिलेगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, and best of luck for your future export. So thank you and let's go global. Global. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टूगेदर। थैंक यू।